कोरोना महामारी की वजह से इस बार प्रदेश भर में 74वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम सादगी से मनाया गया। इस साल राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर जिला और उपमंडल स्तर पर भी कई समारोह आयोजित किए गए। प्रदेश भर में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आज़ादी का जश्न मनाया गया। कोरोना की वजह से इस बार किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शिमला में राजभवन में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस टुकड़ियों की सलामी ली। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस एक खास मौका है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत देश में वो वस्तुएं भी बनाई जा रही है जो आज से 4 महीने पहले यहाँ नहीं बनती थी। उन्होंने कहा कि देश आज आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए देश और प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं। तो मैं देश और प्रदेश के सभी वासियों को इस अवसर की बधाई देना चाहूंगा। ये अवसर जो है बहुत विशेष अवसर है, जो हमारी सेनाओं का पराक्रम इस साल जो दुनिया ने देखा है, इसलिए ये जो है स्वतंत्रता दिवस जो है ऐतिहासिक हर स्तर पर देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं, जो आज से 4 महीने पहले हमारे यहाँ चीजें तैयार नहीं होती थी, फॉर एग्जाम्पल पीपी किट, फेस मास्क और इस तरह की कई अन्य चीजें, वेंटिलेटर वगैरह, वो देश के लोगों के प्रयास से जो है वो हम आज उन चीजों के विषय में आत्मनिर्भर हुए हैं। बाकी बहुत से वस्तुओं के बारे में देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाए हैं। देश के सभी वासी, प्रदेश के वासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और यही प्रयास जो है देश के सारी जनता, हम सब लोग मिलजुल के ये जारी रखें। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आज़ादी के लिए कुर्बान उन महान सपूतों को नमन करते हुए कहा कि देश की आज़ादी और भारत माता की रक्षा में कुर्बान हुए वीर सपूतों ने त्याग व समर्पण की भावना से देश को आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद घोषित व अघोषित युद्धों में अपनी कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के उपरांत देश सबसे बड़े लोकतंत्र व धर्म निरपेक्ष के रूप में उभरा है। इस देश में हर धर्म के लोग सेना में विराजमान हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस सफर में आज से पीछे जो 73 वर्ष पूरे हुए हैं, इनमें जहां विकास की दृष्टि से देखा जाता है, हिमाचल प्रदेश में जब देश आज़ाद हुआ था तो 288 किलोमीटर लंबाई की सड़कें थी। आज प्रदेश में लगभग 38,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनी है। उसी प्रकार से विकास की दृष्टि से पूरा प्रदेश जो है वो बिजली की दृष्टि से जो है वो शायद ही कुछ 1-2% रिकवर था, आज 100% जो है वो हिमाचल प्रदेश का हर घर, हर गाँव, हर मोहल्ला जो है वो कवर हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पीने का पानी, आज कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचा है। अब हमारा लक्ष्य है, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो हमारी एक योजना है जो 798 करोड़ के, उसके माध्यम से, या फिर ब्रिक्स की NDB के माध्यम से, कि हर घर में नल में जल और जल भी शुद्ध जल और जितने भी सोर्स ऑगमेंटेशन है वो पूर्ण रूप से किया जाए, उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी का लगातार एक ही सोच है कि हम स्वच्छ जल जो है सबको उपलब्ध कराएं। हमारी अगली सोच जो है हमारे प्रदेश सरकार की, मान विशेष करके माने मुख्यमंत्री जी की, कि पूरा प्रदेश जो है वो फल राज्य के रूप में जाना जाए,
सफल राज्य के रूप में जानने के लिए दो बड़ी बड़ी योजनाएं जो है हिमाचल प्रदेश को एक विश्व बैंक से और दूसरी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है वो पोषित हुई है। इससे पूर्व मंत्री ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखा गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान की जिले में विधिवत शुरुआत की, जिसके तहत नशा मुक्त वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नशा मुक्ति के बारे में जागरूक करने के साथ साथ प्रपत्र भी वितरित करेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस द्वारा पार्टी कार्यालय के बाहर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। शिमला शहरी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र बांस्टू ने इस दौरान सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मैं वीरेंद्र बांस्टू, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शिमला अर्बन। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी द्वारा यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे झंडा फहराया गया है और सभी को, सभी प्रदेशवासियों को कांग्रेस परिवार की ओर से 74वीं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बहुत बहुत बधाइयां देते हैं हम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीपीओ शिमला में भी स्वतंत्रता दिवस सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल शिमला की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सिमता कुमार ने प्रातः 10 बजे जीपीओ भवन शिमला के प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस दौरान चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने कोरोना योद्धा पर विशेष डाक आवरण जारी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में डाक विभाग द्वारा पेंशनधारियों को भी घर द्वार पर पेंशन उपलब्ध करवाई गई है। पूरे कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन था, अप्रैल मई जून में जब सारे संस्थान बंद थे, तब हमारे डाक विभाग के सब कर्मचारी, चाहे वो हमारे पोस्टमैन है या ग्रामीण डाक सेवक है या हमारे जो पोस्टल असिस्टेंट हैं, उन सब ने अपने ड्यूटी का निर्वाह करते हुए अपने जो ज़रूरत थी आम आदमी की, उनको चाहे हमें घर द्वार पेंशन पहुंचानी हो या हमें दवाइयां पहुंचानी पड़ी या लॉकडाउन के दौरान और कोई तरीका नहीं था, जितना भी एसेंशियल सामान था वो डाक विभाग ने पूरे हिमाचल में पहुंचाया। उनकी इस कर्तव्य निष्ठा, उनकी इन कर्तव्यपरायणता के लिए और उनकी इस ड्यूटी के अच्छे तरीके से करने के लिए ये एक फर्स्ट एड कवर आज हमने रिलीज़ किया है। उन सब कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करते हुए डाक परिवार के, जिन्होंने अपना योगदान दिया इस महामारी में, अपनी ड्यूटीज़ को निभाया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तिरंगा फहराकर जिला स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखा गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज़ादी के कर्णवीरों के बलिदान के बाद ही देश को आज़ादी मिल पाई है। उन्होंने देश और प्रदेश के विकासात्मक योजनाओं पर भी विस्तृत जानकारी दी। मुझे स्मरण आता है इतिहास का वो दिन जब 1948 में इसी सोलन में सारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी छोटे छोटे राजा रजवाड़ा हुआ करते थे और जो हमारे प्रजामंडल के और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एकत्रित होकर के इसी सोलन के राजा बघाट के नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो ऑल पार्टी हिल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रूप में जो है वो कॉन्फ्रेंस की थी और हिमाचल प्रदेश का जन्म इसी सोलन से जो है वो हुआ था। उसके लिए मैं राजा बघाट को जो है वो आज बधाई देना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि उनके विजनरी नेतृत्व में बहुत सारे राजा रजवाड़ा उस समय जो है अपने आप को स्वतंत्र जो है मानने लगे थे कि अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया तो हम स्वतंत्र हो गए। ऐसे समय में बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने सबको एकत्रित करके एक नए हिमाचल प्रदेश का सृजन किया था और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। इस मौके पर कार्यक्रम में महिलाओं को उनके उपलब्धियों व कोरोना कर्मवीरों को सम्मानित भी किया गया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जिला सोलन के 5 उपमंडलों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं पंचायत परिसरों में भी ध्वजारोहण किया गया और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
शिमला जिला के रामपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। सत्र न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद भी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में एसटीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने झंडा फहराया। उन्होंने कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रक्तदान सेवा परिवार की ओर से रामपुर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 74वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य युद्ध स्मारक धर्मशाला में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अमर जवान ज्योति को भी प्रज्वलित किया। जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए थे और कार्यक्रम में विशेष तौर से सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया। इस दौरान लोक संपर्क विभाग के कलाकारों व तिब्बती समुदाय के टिप्पा के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। लोक संपर्क विभाग के कलाकारों ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश का समुचित विकास करने पर बल दे रही है। सरकार की ओर से मुझे यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, तो एक तो मैं स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि 1947 और उससे पहले और 2020 के बीच में इस देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको मैं आज याद करता हूँ। 62, 65, 71 कारगिल के ऑपरेशन के समय जो शहीद हुए, जो घायल हुए, उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ कि मातृभूमि देश के लिए हम कुछ और भी दें। इसी विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और ये विचार पूरे देश में राष्ट्रीयता के रूप में देश के लोगों में पैदा हो, यही मैं संदेश देना चाहता हूं। कंडाघाट के पड़ाव मैदान में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में एसडीएम कंडाघाट डॉक्टर संजीव धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि तहसीलदार अमन कुमार व बीडीओ कंडाघाट हेमचंद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने पड़ाव मैदान में लगे तिरंगे को फहराया। इसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। कोविड-19 के मद्देनजर पड़ाव मैदान में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सादे तरीके से मनाया गया। एसडीएम डॉक्टर संजीव धीमान ने इस अवसर पर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और आजादी में अपना योगदान देने वाले वीर जवानों को याद किया। आजादी के इस दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए एक अपनत्व का दिवस है, एक सेलिब्रेशन का दिन है और कितने संघर्ष के बाद ये दिन मिला। अगर हम बात करें तो करीब 1000 वर्ष हम विभिन्न तरह की गुलामियों के दायरे में रहते हुए 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। आजादी की लौ बहुत से सपूतों ने, वो चाहे आजादी से पहले की बात हो या आजादी के बाद की बात हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी देकर भी इस आजादी की लौ को रोशन किया।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने 11 बजे ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में तिरंगा फहराया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह के दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण करने के बाद सलामी ली और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। राजीव सैजल ने कहा कि 15 अगस्त का दिन सब भारतवासियों के लिए गौरवमयी व ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद देश को इसी दिन आजादी मिली थी। कोविड-19 के चलते इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री एक बीघा योजना पुस्तिका का विमोचन किया और आयुष किट प्लस भी लॉन्च की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2 कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। संपूर्ण सिवान जिला वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 15 अगस्त हम सब भारतवासियों के लिए, हम सब जानते हैं, गौरवमयी और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी ही दिन एक लंबे संघर्ष के बाद, बलिदानों की कड़ी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता दिवस का यह अवसर उन सब महान देशभक्तों व स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का भी दिन है जिन्होंने मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कुर्बानियां देकर हमें स्वतंत्रता दिलवाने वाले शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को भी हृदय से नमन करता हूँ। यह दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परतंत्रता से स्वतंत्रता पाने तक की कठोर तपस्या भरी इस यात्रा ने हम सब भारतवासियों को अपना भविष्य बदलने तथा देश को विकास के शिखर की ओर ले जाने का सुनहरी अवसर प्राप्त किया। जिला मुख्यालय नाहन में कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यालय में जिला अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर की देखरेख में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। इस दौरान देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई जवानों ने अपना बलिदान दिया है जिनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। भारत वर्ष का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज सबसे पहले मैं उन शहीदों को, भारत के वीर सपूतों को, जिन्होंने आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे और बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए, उनको तथा उसके पश्चात जो सरहद पर हमारे जवान सेना के, एयरफोर्स के, नेवी के जो मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और साथ ही उन देशवासियों को जो इस मुल्क के लिए तत्पर हैं कोई भी बलिदान देने के लिए। आज बड़ा खुशी का वर्ष है कि हर वर्ष की तरह आज भी कांग्रेस जनों ने मिलकर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, भारत वर्ष का तिरंगा फहराया और सबने प्रतिज्ञा ली, कटिबद्धता ली कि हम मिलकर के अपने कोई भी वक्त अगर बुरा आया हिंदुस्तान पर, हमारे भारतवर्ष पर, तो हम सब तैयार हैं अपनी आहुति देने के लिए। स्थानीय मिनी सचिवालय ज्वाली के प्रांगण में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी सादगी और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। SDM सलीम आजम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस टुकड़ी द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं स्थानीय कोर्ट परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया जिसमें ज्वाली की सिविल जज अनीता शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। SDM सलीम आजम ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज़ादी के उन वीरों को नमन किया जिनके तप, त्याग और बलिदान से हमें ये आज़ादी मिली है। पूरे मंडल के सभी लोगों को प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और ये आज़ादी हमें यूं नहीं मिली, आज़ादी को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। आप सभी पढ़ा है, सभी को ये विदित भी है कि कितने लोगों ने अपनी जानें दी और उस वक्त जब ये लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध और कम से कम 200-250 साल से अंग्रेजों की दासता में हम लोग गए थे, हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने इसके लिए संघर्ष का विरोध बजाया, यातनाएं सही, कई प्रकार के जेल उनको हुई
और अपने प्राणों को निछावर भी किया, आप जानते हैं। और 90 साल का 1857 का जो पहला स्वतंत्रता दिवस सॉरी संघर्ष था, उसके बाद 90 साल और लगे हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में। ज्वालामुखी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में उपमंडल स्तरीय 74वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपमंडल अधिकारी ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीदों को नमन किया। उपमंडला अधिकारी द्वारा इस दौरान ज्वालामुखी उपमंडल के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया गया। कोविड महामारी के कारण इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। एसडीएम अंकुश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस राष्ट्रीय उत्सव में भीड़ बेशक कम रही, पर उत्सव को मनाने का उत्साह व जज्बा पहले से कहीं अधिक रहा। स्वतंत्रता दिवस हम राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वाला जी में मना रहे हैं, पूरी सादगी से मनाया जा रहा है, जिसमें मेरी सभी को यह आदेश हुआ है कि जो भी सरकार के आदेश है, जैसे कि मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है और सैनिटाइज वगैरह करते रहना है, तो उन सारे आदेशों को की अनुपालना करते हम इसको मना रहे हैं। और मैं सारे इलाकावासियों को इस 74वें स्वाधीनता दिवस और इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर स्थित मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी भी ली। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर देश के शहीदों को याद करते हुए देश प्रदेश के विकास की ओर नए आयाम स्थापित करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कोविड 19 के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई भी की। पंद्रह अगस्त हम सब भारतवासियों के लिए एक गौरवमयी एवं ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 1947 में इसी दिन हमारे देश को जो था वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज हम सभी हिमाचलवासी मिलकर के अपने महान लोकतंत्रीय देश का हम 74वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाने जा रहे हैं। संघर्ष की स्थिति में पड़ोसी देशों को मुंह तोड़ जवाब देना और कोविड 19 के दौरान आत्मनिर्भर अभियान इसके सार्थक परिणाम है। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1948 में अस्तित्व आने के उपरांत लगभग शून्य से अपनी विकास यात्रा आरंभ की। आरंभिक दो दशकों तक यहां विकास की गति धीमी रही, परंतु 25 जनवरी 1973 को पूर्ण राज्य बन जाने के पश्चात प्रदेश ने विकास की एक नई गति और एक नई ऊर्जा के साथ जो है वो आगे बढ़ा है। बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर स्थित मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले वीरेंद्र कंवर ने बिलासपुर में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी भी ली। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर देश के शहीदों को याद करते हुए देश प्रदेश के विकास की ओर नए आयाम स्थापित करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कोविड 19 के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई भी की। पंद्रह अगस्त हम सब भारतवासियों के लिए एक गौरवमयी एवं ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 1947 में इसी दिन हमारे देश को जो था वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज हम सभी हिमाचलवासी मिलकर के अपने महान लोकतंत्रीय देश का हम 74वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाने जा रहे हैं। संघर्ष की स्थिति में पड़ोसी देशों को
मुंह तोड़ जवाब देना और कोविड 19 के दौरान आत्मनिर्भर अभियान इसके सार्थक परिणाम है। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1948 में अस्तित्व आने के उपरांत लगभग शून्य से अपनी विकास यात्रा आरंभ की। आरंभिक दो दशकों तक यहां विकास की गति धीमी रही, परंतु 25 जनवरी 1977 को पूर्ण राज्य बन जाने के पश्चात प्रदेश ने विकास की एक नई गति और एक नई ऊर्जा के साथ जो है वो आगे बढ़ा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने हमीरपुर के खेल मैदान में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड की सलामी के बाद मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उपस्थित जनसमूह को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश की आज़ादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के दीवानों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। आज हम सभी हिमाचलवासी मिलकर अपने महान लोकतांत्रिक देश का 74वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्या स्वतंत्रता दिवस इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देश के लिए निछावर करने के बाद ऐसे अनेक ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आजाद कराने के लिए लगा दिया। 16 साल की उम्र से लेकर इसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे युवाओं ने अपना जीवन जो है देशभक्ति से ओतप्रोत होकर आज हमारे लिए इस स्वतंत्र भारत को हमारे हाथों में सौंपा है। इसके लिए आज उन सबका स्मरण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन अर्की प्रशांत नेगी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर अर्की न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित कर्मचारियों व स्थानीय लोगों को शुभ दिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कोविड 19 के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की भी सभी से अपील की है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज हमें आजाद हुए 74 वर्ष पूरे हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरा विश्व कोविड 19 महामारी से ग्रस्त है, इसलिए आप सभी से अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य पहनें और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आज हमने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ कोर्ट में ध्वजारोहण किया और इसमें भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को अडॉप्ट किया और एक सादा सा समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।